There is no earthquake. There is no as such volcanic eruption and all. क्योंकि यहाँ पर volcano वहीं होगा जहाँ पर one ocean floor is subducting below. So where we can be able to say that it is in a passive continental margin, and along this we can be able to यहां पर मुझे क्या मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल राइज एंड व्हाट विल गेट ए बाइसल प्लेन फोर चीजें मिलेंगी इन द पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड इन केस ऑफ एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये दिख रहा है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विल बी देयर यहां पे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विल नॉट गेट यू विल से दैट द ट्रेंच इज देयर एंड वी कैन बी एबल टू सी देयर इज एन आई सेड क्या होगा यहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ट्रेंच विद द एक्टिव So now we can see here like यहां पे क्या दिख रहा है shelf, slope, rise, abyssal plain. Shelf, slope and this is the trench where the subduction is going on. Yes? So this zone is I said that active continental margin and this one is I said that passive continental margin. और बीच में आपको पता है If this section जहां पे मैग्मा निकल रहा था बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी वॉट गर्म की वजह से यह क्या होता है इट इज अपलिफ्टेड बिकॉज ऑफ हॉटनेस मैग्मा इज ओवर देयर कन्वेक्शन करंट ऑफ मैग्मा सो हॉटनेस विल बी इन द मिडिल ऑफ द ओशन एंड हॉटनेस विल कॉज फॉर्मेशन लाइक दिस उसको उठा देगा इट विल अपलिफ्टेड अंडरस्टूड सो द मिडिल ऑफ द ओशन विल से दैट देयर इज इन अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज Or that is known as a mountain. Mountain in the ocean, series of mountain in the ocean is known as a ridge or a rise. What is the difference between ridge and rise? I said that mid oceanic ridge. And a series of mountain range. Another is a mid oceanic rise. Mid oceanic ridge is like this, but rise is like this. इसमें क्या है स्लोप इज लेस राइज में क्या होता है स्लोप इज लेस एंड द रीज स्लोप इज स्टीपर अंडरस्टूड गेटिंग माय पॉइंट So we have been able to see there is a mid oceanic rise and then mid, just tell me, rise. Clear? Suppose I said that ye plate, this plate is going away and it is in a water. Yahan pe kya hai? There is, what is this? Oceanic water. And suppose it is in a one plate. If I am talking about in a plate and it is an active continental margin or यहां पे hot spot है what is there? What is there? In the middle of the ocean, there is an in the deeper mantle, यहां पे क्या है hot spot? What is the meaning of hot spot? Hot spot is in a what? Continuous source of supply of heat. ये जो magma यहां से जो निकल रहा था वो कौन सा magma था कभी आता है कभी नहीं आता तो कैन आई से दैट और ये कौन मैग्मा क्रिएट कर रहा था रेडिएक्टिव मटेरियल क्या सो यस देयर इज अ रेडिएक्टिव मटेरियल लेस बट इन किस इन दिस केस देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रेडिएक्टिव मटेरियल्स अब ये कितना हीट देगा इट विल लार्ज वेरी हॉट सो इट इज नोन एज अ हॉटस्पॉट द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इट इज नोन एज आई सेड दैट हॉटस्पॉट एंड इसके वजह से ये रॉक क्या हो गया मेंटल में मेल्ट एंड दैट इज एन बेसाल्टिक मैग्मा रहेगा एंड आई सेड दैट दिस मेंटल प्लान
और इसकी टेम्परेचर क्या होगी 1600। ये तो 1350 का था, दिस इज 1350। इट इज बाय कमिंग नियर टू अर्थ इट बिकम कोल्डर एंड हैवियर एंड स्टार्टेड व्हाट कन्वेक्टिंग डाउनवर्ड। लेकिन इसका टेम्परेचर यहां पर आते आते 1100 हो गया था, देयरफॉर इट इज एबल टू बिकम हैवियर। 1100 1350 में क्या इट विल बी मोर एक्सपेंडेड फॉर्म एंड 1100 में इट विल बी कंपैरेटिवली ठंडा है। वैसे तो कहेंगे नहीं 1100 ठंडा होता है, बट आई सेड दैट इसके कंपैरिजन इट बिकम। एंड देन आसपास सिल्का होता है, नियर टू द अर्थ सरफेस सिल्का, और इसमें क्या है नीचे में जैसे जैसे आयरन आयरन एंड आयरन और सिल्का हु विल बी हैवियर आयरन, और ये थोड़ा सा क्या हो गया कॉन्ट्रैक्टेड, इट बिकम हैवी टू कन्वेक्ट डाउनवर्ड, दैट हैज लेड टू द प्लेट मूवमेंट। इसकी वजह से प्लेट स्टार्टेड मूविंग। लेकिन दिस हॉट स्पॉट इज इन अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ हीट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा मीन्स मेंटल फ्लो, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ मैग्मा मेंटल प्लम, और ये ऊपर आने लगा। क्लियर? और ये ऊपर आकर तोड़ेगा एंड इट विल स्टार्ट कमिंग आउट। लिसन मी केयरफुली, और ये इट इज सबमर्ज्ड। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, यस अ माउंटेन, आई सेड दैट अ माउंटेन विद height of more than 1000 meter but submerged, a mountain with height more than 1000 meter but submerged is known as sea mount, is known as a mountain with height more than 1000 meter but submerged, what it is known as सी माउंट। क्लियर? इज इट ओके? फिर हमने बोला अ माउंटेन विद हाइट ऑफ मोर देन 1000 मीटर बट एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मीन्स अबव सी सरफेस, एंड व्हेन द माउंटेन विल बी अबव द सी सरफेस इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर, देन इट विल बिकम व्हाट वोल्केनिक आइलैंड, इट विल बिकम व्हाट इसको क्या बोलेंगे हम, द स्लोली एंड स्लोली दिस सी माउंट हैज बीन कन्वर्टेड इंटू, दिस सी माउंट हैज बीन कन्वर्टेड इंटू वोल्केनिक आइलैंड। यस, दिस सी माउंट हैज बीन कन्वर्टेड इंटू व्हाट वोल्केनिक आइलैंड। हु हैज क्रिएटेड हॉटस्पॉट, हु हैज क्रिएटेड, who has created? या ये मैग्मा क्रिएट कर सकता है या ये मैग्मा, दिस मैग्मा कैन क्रिएट हॉटस्पॉट वाला मैग्मा या दैट मैग्मा 1315 डिग्री सेल्सियस। Why? Because this temperature is 1600. By reaching near the ocean surface, its temperature is 1300. तो 1300 और 1350 वो अभी भी वार्म है, इट कैन ब्रेक द प्लेट एंड इट कैन कम आउट। यदि 1100 होता तो वो ठंडा होता कंपेरेटिवली, हैवी होता, स्टार्टेड कमिंग डाउन। Understood? And then this way we are able to get an a what volcanic island. Okay. And again after some times this plate will subduct at the active continental margin. Further it will move. So ye volcanic island ab kahan gaya? Tell me. This volcanic island now when the plate moved further, this volcanic island come here. Yes, this volcanic island now above hotspot, hotspot is a fixed, but now at this hotspot there is no formation of, I said that abhi koi bhi volcanic island nahi near above, now the new magma keeps on coming up and then there is a new volcanic island has been formed. लेकिन ये देख रहे हैं धीरे धीरे, ये क्या है, this volcanic island, ये plate नीचे जा रहा है, तो this island is what submerging below the surface. तो इसको क्या बोला जाता है, when you will read it, when you will study one coral theory and its name is known as what
subsidence theory given by Davis, तो उसमें बताया जाता है कि that is an what island is subsiding. तो island अचानक पृथ्वी के अंदर थोड़ी ना घुसने लग जाएगा. It will not be going what is in a subsiding in the earth. The subsidence is taking place because of this. Further, अब ये first island और ये second island. Further, this first island will come here. Again, the plate moved. And here it is. Second will come here. First and second. And now, यहाँ पे new third will become. So, ध्यान से देखेंगे तो first और second का possibility है कि sea waves cut करके इसका top क्या बना देगा? Flat top. Sea waves, और कल आपने देखा था कि that is an till the 100 meter. What is there? Ocean water can, what is an, if the water is more in volume, then they can cut that. Yes or no? The sea waves can be effective. And then they can cut this top of the sea and it become a plateau-like flat top. Isko kya bolte hain? Geode. What we say that? A mountain with height more than 1000 meter, but submerged with the flat top. With flat top. A mountain with height more than 1000 meter but submerged. But it is what? With flat top. It is known as, yes, geode. G-U-Y-O-T. In Pacific Ocean, केवल डाटा भी देखते चलेंगे. In Pacific Ocean, due to such large number of hotspots, there is around 25,000 volcanic island. How many? Killer. And 10,000 around geode. In Pacific Ocean. And all are lying between 30 degree north latitude to 30 degree south latitude. All are lying between 30 degree north latitude to 30 degree south latitude. What is the condition required for the formation of corals? It should be in the tropics, and that is between 30 degree north to 30 degree south. So the largest number of corals can be found in this region. Or kis region mein? Yes, tell me. Jahan pe ocean water warm ho. So where there is a crucio current is there, not in all islands, where the north equatorial current, south equatorial current, fresh water na ho ke salinity should be good. They can be grow. Therefore, Pacific Ocean has a large number of what? Corals. Understood? Why? Because one of the factor which is required, these are available here. And how many you can see? The figure is 25,000 island. And 10,000. And between which? 30 degree north to 30 degree south. And it is in a best, what is in a place for coral growth. Killer? तो बाद में वो वोल्केनिक आइलैंड विल कन्वर्ट इनटू विच आइलैंड? कोरल आइलैंड. व्हेन द कोरल स्टार्टेड ग्रोइंग देन इट इज नॉट नोन एज व्हाट इज नोन वोल्केनिक. तो वो अंदर है, उसके चारों तरफ सब बनने लग जाएगा. एंड देन कोरल स्टार्टेड वाज इन बिकमिंग मोर सिग्निफिकेंट. सो इन द पैसिफिक ओशियन second position aata hai, I said that Indian Ocean. Which one I said that? Indian Ocean. Second position comes for Indian Ocean for the
आई सेड दैट दिस काइंड ऑफ वोल्केनिक आइलैंड एंड व्हाट, तो आप लोग देखे होंगे लक्षद्वीप आइलैंड, सीसेल, मॉरिशियस, सेवरल आइलैंड ग्रुप्स आर देयर, कॉमोरोस एंड ऑल. सो ऑल आर हैविंग व्हाट इज एन ओरिजिनेटेड थ्रू विच हॉटस्पॉट, थ्रू द हॉटस्पॉट. अंडरस्टूड इट? So we can be able to see Indian Ocean has large number of volcanic islands, and that is in the range of, I said that 2000 to 3000. Get it? How many islands they have? Indian Ocean. And I said that some geodes are there also. The geodes number is not fixed. Some geodes. Killer. This is killer. In the middle of the ocean, what you are finding? Another. So this, I am talking about right now for the middle of the ocean. In the middle of the ocean, we have, can be able to have this kind of things. So who can create this kind of island? Hotspot. Next one we are going to see, in the middle of the ocean, you can also see there is a mid oceanic ridge. And suppose ye plate dobara, this plate has moved, to ye portion again crack hoga and it will go like this. So in the middle portion, when it will go like this, there is a rift has been formed. And it is known as, I said, that Rift Valley. Which valley I said that? Which valley I said that? So there is a large Rift Valley in the middle of the ocean. And aapko pata ho, you must be knowing that